डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये है हमारी क्लास नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो आखिर कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, तो स्टार्ट कर देते हैं उसकी डेफिनेशन से। द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू प्रोसेस रॉ डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी क्या काम करती है, हमारा जो डेटा होता है उसको होल्ड करती है, मतलब हमारे उस डेटा को थोड़ा स्टोर करके रखती है जब तक आउटपुट हमें नहीं मिलता। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ पार्ट नोन एज सेल। ओके, तो कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही बड़े नंबर के पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब बहुत ही उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंड उन पार्ट को हम सेल के नाम से जानते हैं कंप्यूटर में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कितनी टाइप की मेमोरी होती है। तो बेसिकली आपने सुना ही होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप की मेमोरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ओवरऑल 4 टाइप की मेमोरी होती है, उसमें जो पॉपुलर जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्री एंड कैच मेमोरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की मेमोरी होती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम रजिस्ट्री एंड कैच मेमोरी से, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मेमोरी यूनिट के बारे में जानने वाले हैं। तो मेमोरी यूनिट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। तो रजिस्ट्री मेमोरी को हम सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद कैच मेमोरी को हम जानेंगे, देन हम प्राइमरी मेमोरी को जानेंगे, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे हमारी सेकेंडरी मेमोरी को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी रजिस्ट्री मेमोरी के पास। रजिस्ट्री मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। तो पहली लाइन जो हमें बताती है कि जो रजिस्ट्री मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी एंड सबसे तेज मेमोरी होती है। ओके, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी एंड इज लोकेटेड इन द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। तो बेसिकली ये हमारी मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती, मेन मेमोरी रिप्रेजेंट करती है हमारी प्राइमरी मेमोरी को। ओके, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी गई है कि हमारी जो रजिस्ट्री मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट नहीं होती है, वो डायरेक्टली हमारे सीपीयू में अटैच होती है। सीपीयू मतलब हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसका ये पार्ट होती है हमारी रजिस्ट्री मेमोरी, विच इज स्मॉलेस्ट एंड डेटा होल्डिंग एलिमेंट। ओके, जो बहुत ही छोटी होती है एंड उसमें डेटा होल्ड होता है। रजिस्ट्री मेमोरी टेम्पररी होल्ड फ्रीक्वेंसली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस दैट आर यूज्ड बाय सीपीयू। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दी गई है कि जो हमारी रजिस्ट्री मेमोरी होती है वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है, वो टेम्पररी स्टोरेज होती है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा है जब तक वो प्रोसेसिंग में होता है तब तक स्टोर होता है, जब हमें उसका आउटपुट मिल जाता है तो वो डेटा वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ओके, तो ये है एक टाइप का टेम्पररी मेमोरी में काउंट होती है हमारी रजिस्ट्री मेमोरी। दे होल्ड इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ऑल डेटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर बिफोर इट कैन प्रोसेस। तो बेसिकली हमारे सीपीयू के पास कोई भी डेटा पहुंचने से पहले पहुंच जाता है हमारे रजिस्ट्री मेमोरी में, एंड जैसा कि हमको पता है कि रजिस्ट्री मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, तो वो तुरंत उस डेटा को कैच करती है, स्कैन करती है एंड सीपीयू के पास ट्रांसफर कर देती है उस डेटा को, एंड सीपीयू बताता है अब इस डेटा के साथ हमें क्या करना है। एंड सीपीयू कैसे बताता है, क्योंकि हम वहां पे सीपीयू को कमांड करते हैं कि इस डेटा के साथ हमें क्या करना है। ओके, तो कोई भी डेटा प्रोसेस होने से पहले रजिस्ट्री मेमोरी में से गुजरता है। ओके, तो रजिस्ट्री मेमोरी से गुजरता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, एंड उसके बाद उसकी कुछ कैच फाइल होती हैं जो हमारे पीसी में सेव हो जाती हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि कैच मेमोरी क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि कोई भी जो हमारा डेटा है वो प्रोसेस होने से पहले, सीपीयू में आने से पहले हमारे रजिस्ट्री मेमोरी के पास जाता है। सो दे आर यूज्ड बाय सीपीयू टू प्रोसेस द डेटा एंटर बाय द यूजर। तो जो भी हमने डेटा एंटर किया है वो रजिस्ट्री मेमोरी में से होके सीपीयू के पास जाता है ताकि उसे हम आगे प्रोसेस कर पाए। ओके, तो ये होती है हमारी रजिस्ट्री मेमोरी। तो बेसिकली रजिस्ट्री मेमोरी हमारे कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी में से एक है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी कैच मेमोरी के ऊपर। तो कैच मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी
which is small in size but faster than the main memory. And main memory, जैसे कि आपको मैंने बताया था, हमारी primary memory को represent करती है. And primary में हमारे RAM and ROM दो बहुत ही बड़ी memory count होती हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी कैच मेमोरी है वो बहुत ही फास्ट एंड स्मॉल होती है हमारी मेन मेमोरी से. यहाँ पे लिखा गया है रैम. द कंप्यूटर कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन प्राइमरी मेमोरी. तो जाहिर सी बात है, अगर वो हाई स्पीड मेमोरी है तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी मतलब हमारी रैम से बहुत ही जल्दी ऑपरेट हो सकती है. ओके. It is used to synchronize with high-speed CPU and to improve its performance. So basically, cache memory का काम क्या होता है कि वो कोई भी हम software open करते हैं या कोई भी हमने जैसे कि window boot up किया है तो उसकी कुछ cache files होती हैं, उनको store कर लेता है ताकि बार बार उसे load करने की जरूरत ना पड़े, उसे directly वो open कर ले. Okay? तो वहाँ पे उसकी cache memory वहाँ पे save हो जाती है. तो basically वो हमारे CPU का performance तो improve करेगी क्योंकि उसका वो वहां पे बूट अप टाइम सेव कर देती है वो मेमोरी. आगे बढ़ते हैं. हमारी कैच मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस बाय सीपीयू. तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कैच मेमोरी को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्टली एक्सेस होती है सीपीयू से. लेकिन सीपीयू को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो इन शॉर्ट वहां पे हम इनडायरेक्टली कैच मेमोरी को भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके. तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते पर सीपीयू के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. It can be reserved part of the main memory or storage device outside the CPU. It holds the data and program which are frequently used by the CPU. जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि वो data को hold करती है जो भी program हम regularly use करते हैं अपने CPU में. जैसे कि हमारे window का boot up हो गया या फिर हम कोई भी browser use कर रहे हैं या फिर कोई भी additional हम program use कर रहे हैं, तो उन सभी के जो कॉमन डेटा होते हैं, जो रेगुलर यूसेज होते हैं, तो उनको वहाँ पे कैच मेमोरी स्टोर कर लेती है. सो इट मेक श्योर दैट द डेटा इज इंस्टेंटली अवेलेबल फॉर सीपीयू व्हेनेवर द सीपीयू नीड दिस डेटा. तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कैच मेमोरी का यही काम है, डेटा को वो स्टोर कर लेती है, जब भी जरूरत होती है तो उसे डायरेक्ट ओपन करती है, उसे बूटअप बार बार बूटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ओके. तो ये होती है हमारी कैच मेमोरी. एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दो टाइप की मेमोरी के ऊपर. तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने सुना भी है कि दो टाइप की मेमोरी होती हैं, एक आती है वॉलेटाइल मेमोरी, एक आती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. तो आखिर ये दोनों मेमोरी होती क्या है एंड हम अपने टॉपिक के बीच में इस मेमोरी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा टॉपिक चल ही रहा था कि टोटल फोर टाइप की मेमोरी है एंड हम जब रजिस्ट्री एंड कैच मेमोरी को डिस्कस कर ही चुके हैं, तो उसके बाद जैसे कि हमें देखा ही था कि हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करना था, लेकिन बीच में हम लेके आ चुके हैं हमारी वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को. तो अचानक ये मेमोरी बीच में क्यों आई, क्योंकि इन मेमोरी को भी डिस्कस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये भी हमारे दो मेन टाइप की मेमोरी होती है. चाहे मैं आपको बोलूँ कि हमारी चार मेन टाइप की मेमोरी होती हैं, चारों के नाम आपको मैंने बता दिए, अब उनको हम क्लासीफाई करते हैं तो वो चारों इन दो के ही रिप्रेजेंट करती हैं. ओके. तो उनमें से कुछ मेमोरी होती हैं वो आती हैं वॉलेंटाइन मेमोरी, कुछ आती हैं नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी. ओके. तो यहाँ पे उसमें से भी हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं. तो चलिए अब जानते हैं वॉलेंटाइन मेमोरी एंड नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी क्या होती है. लेकिन इसे हम कैसे जानेंगे, वापस आ जाते हैं अपने प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, जिस टॉपिक को हमने यहाँ पे बीच में ड्रॉप किया. अब इसी में से हम एग्जाम्पल ले लेंगे हमारे वॉलेंटाइन मेमोरी एंड नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी का. ओके. तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे एक साथ दो टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, हमारा प्राइमरी मेमोरी का भी टॉपिक हम कवर कर लेंगे एंड हमारे यहाँ पे वॉलेटाइन एंड नॉन वॉलेटाइन मेमोरी का भी टॉपिक हम इसमें कवर कर लेंगे. तो जैसे कि हमको पता है कि प्राइमरी मेमोरी के दो मेन सबसे बड़े टाइप होते हैं, एक होती है रैम, दूसरी आती है रोम. रैम होती है वॉलेंटाइन मेमोरी एंड रोम आ जाती है वहाँ पे नॉन वॉलेटाइन मेमोरी के ऊपर. तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रैम क्या होता है. इट इज अ वॉलेंटाइन मेमोरी. इट मींस इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली. ओके. तो यहाँ पे हमें वॉलेंटाइन मेमोरी का मतलब पता चल चुका है कि जो भी वॉलेंटाइन मेमोरी होती है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है. ओके. तो जितनी भी वॉलेंटाइन मेमोरी होती है वो परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करती है एंड रैम हमारी वॉलेंटाइन मेमोरी है, तो रैम भी हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करेगी. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर इन रैम. ओके. तो जब भी हम
कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो भी डेटा है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रैम में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन वो तब तक ही स्टोर रहते हैं जब तक हमारा पीसी चालू रहता है। जैसे वो बंद होता है तो वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, मतलब इरेज हो जाते हैं। सीपीयू यूटिलाइज दिस डेटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क एज सून एज यू शट डाउन द कंप्यूटर, द रैम लूज ऑल द डेटा। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया ही था कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, मतलब शट डाउन करते हैं या बंद करते हैं, तो आपका जितना भी डेटा होता है वो वहाँ पे चला जाता है, डिलीट हो जाता है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं वो सभी डेटा लूज हो जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा रैम जो आती है हमारा वॉलंटाइन मेमोरी की कैटेगरी में। एंड जैसे कि हमको पता है कि वॉलंटाइन मेमोरी यहाँ पे टेम्पररी मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका दूसरा नाम है वो आ जाता है नॉन वॉलंटाइन, तो डेफिनेटली आगे नॉन लग चुका है तो इसका ये अपोजिट ही होगा। तो नॉन वॉलंटाइन मेमोरी हमारे जो डेटा होता है उसे परमानेंटली स्टोर करती है। ओके, तो जैसे कि आ जाता है हमारे रोम की बात, इट इज अ नॉन वॉलंटाइन मेमोरी, इट मीन्स इट डज नॉट लूज इट्स डेटा और प्रोग्राम दैट आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। So it is a permanent memory that contain all the important data and instruction needed to perform important tasks like boot up process. So basically जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो हमारी non-volatile memory है वो एक type की हमारे permanent memory में count होती है, जो कभी भी अपने data को lose नहीं करती जब तक हम खुद user खुद personally वहाँ पे उसे erase या lose ना करे, तब तक computer कभी भी नॉन वॉलंटाइन मेमोरी वाले डेटा को रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक टाइप की परमानेंट मेमोरी होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारे आती है रैम एंड रोम। ओके, तो रैम एंड रोम के फंक्शन हम सभी को पता ही है, हमारी पुरानी क्लासेस में भी हमने इसके बारे में बहुत ही डिस्कस किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक इसमें क्लियर कर लिए हैं, एक हमारी वॉलंटाइन नॉन वॉलंटाइन मेमोरी का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, एक हमारा प्राइमरी मेमोरी का भी टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी को आप स्टोरेज मेमोरी भी कह सकते हैं, जो भी आप एक्सटर्नल स्टोरेज यहाँ पे अपने कंप्यूटर में ऐड करते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, HDD, SSD, किसी भी टाइप की हार्ड डिस्क हो, वो एक टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है। चाहे पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करें, या पोर्टेबल हार्ड डिस्क, या फिर CD, DVD, फ्लॉपी या मेमोरी कार्ड कोई भी आप वहाँ पे लगाते हैं, तो वो सभी एक टाइप की एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैं जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच आर बिल्ड इन इनटू कंप्यूटर और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ स्टोरेज डिवाइस चाहे वो बिल्ड इन हो या फिर कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, वो सभी हमारे सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होते हैं। इट ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज। द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस इनडायरेक्टली बाय इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो बेसिकली जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो इनडायरेक्टली एक्सेस हो जाती है हमारे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अभी मैं कोई भी लाइन खींच रहा हूँ, ये मैंने माउस की मदद से इनपुट किया, डिस्प्ले की मदद से आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इस लाइन को स्टोर कर रहा है। अब स्टोर किस में करेगा? हमारे सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये मैंने टिक कर दिया, ये भी स्टोर हो रहा है क्योंकि ये मेरे प्रेजेंटेशन में ये सब ऐड हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की मदद से कहीं ना कहीं हमारा वो डेटा है वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, तो वहाँ पे वो एक्सेस भी हो रहा है, ऐसा भी उसे कह सकते हैं। इट इज नॉन वॉलंटाइन। तो बेसिकली हमको पता ही है कि जब तक हम खुद सेकेंडरी मेमोरी में से कोई डेटा डिलीट ना करें तब तक वो डेटा डिलीट नहीं हो सकता, इसलिए वो नॉन वॉलंटाइन मेमोरी में काउंट होता है। सो परमानेंटली स्टोर द डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ अंटिल द डेटा इज ओवरराइट और डिलीटेड। जैसे कि आपको मैंने बताया था, चाहे हम कंप्यूटर बंद कर दें या कुछ भी करें कंप्यूटर के साथ, जब तक हम डेटा को डिलीट या फिर हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं कर देते वो डेटा वहाँ से डिलीट नहीं होगा। ओके, तो जब तक उसे ओवरराइट या फिर हम खुद डिलीट ना करें तब तक कंप्यूटर उसे डिलीट नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, क्योंकि वो एक टाइप की नॉन वॉलंटाइन मेमोरी है, जिसका मतलब होता है वो एक परमानेंट स्टोरेज है। ओके, तो यहाँ पे जब मेमोरी की बात आ जाती है तो हमें जानना भी पड़ता है मेमोरी यूनिट के बारे में। आखिर मेमोरी यूनिट कितने टाइप की होती हैं, कितने KB, MB, आपने अलग अलग सुना होगा कि
के भी होते हैं, मेमोरी यूनिट एम भी होता है, जी भी होता है, टी भी होता है, जेड भी होता है, वाई भी, बहुत सारे टाइप के आपने सुने होंगे। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर मेमोरी यूनिट कितने टाइप के होते हैं एंड कितने यूनिट मिलके कितने यूनिट बन सकते हैं। ओके, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि जितने भी यूनिट होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होते हैं, तो जानते हैं उनके बीच का कनेक्शन हमारी मेमोरी यूनिट टॉपिक में से। तो मेमोरी यूनिट, सबसे छोटी जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है वो आ जाती है बिट, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं, जो 0 and 1 को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक है, आप सभी लोगों को ये पता ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे निबल यूनिट के ऊपर। निबल मेमोरी यूनिट जो बराबर होती है हमारे 4 bit के, मतलब जैसे कि यहाँ पे 0 and 1 रिप्रेजेंट करता है 1 bit 0 bit को। ओके, तो जब हमारे 4 bit मिल जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे 4 bit जब हमारे मिलते हैं तो वो बनते हैं 1 nibble। ओके, तो 4 bit मिलके बन जाते हैं 1 nibble। अब बाइट की हम बात करें तो बाइट कैसे बनता है, तो बेसिकली निबल का जो एक हायर वर्जन होता है, हायर मेमोरी यूनिट होता है, वो आ जाता है बाइट। तो वो बनता है हमारे 8 byte को मिलके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 8 byte, तो बेसिकली 8 byte मिलके भी हम यहाँ पे 1 byte बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप 2 nibble को मिला दें तो भी आप 1 byte बना सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा बाइट। उसके बाद आ जाता है हमारा मेमोरी यूनिट जो होता है किलो बाइट, जिसे हम कहते हैं KB। तो KB के पास पहुंचने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के टाइम पे जो हमारा सबसे छोटा मेमोरी यूनिट काउंट किया जाता है वो किया जाता है बाइट को। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ B। तो यहाँ पे जो हमारा आज के टाइम पे सबसे छोटा मेमोरी यूनिट काउंट किया जाता है वो किया जाता है बाइट को। एंड जो उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा मेमोरी यूनिट है वो आ जाता है किलोबाइट। तो किलोबाइट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 1 kilobyte, मतलब 1 kilobyte बनने के लिए हमको 1024, मतलब 1024 बाइट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। जब हमारा डेटा मेमोरी 1024 बाइट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 1 kilobyte में, या फिर उसे हम 1 kilobyte भी कह सकते हैं, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डेटा है वो 1024 बाइट का है तो उसे आप सिंपली 1 kilobyte भी कह सकते हैं। उसके बाद किलोबाइट के बाद जो हायर मेमोरी यूनिट आता है वो आता है मेगाबाइट, मतलब उसे हम कहते हैं MB। जब आपका कोई भी डेटा है वो 1024 किलोबाइट का होता है तो उसे आप 1 MB भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। सेम एज यहाँ पे आ जाता है उसे एक थोड़ा सा और बड़ा यूनिट, उसे कहते हैं हम गीगाबाइट, मतलब GB। तो GB कैसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये जो फिगर है 1024, आपको बस यही याद रखना है 1 GB। तो 1 GB किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 GB से छोटा कौन सा हमारा यूनिट होता है, MB। तो बेसिकली 1024 MB मिलके बनता होगा 1 GB। ओके, उसी टाइप से आ जाते हैं 1 TB, तो TB से छोटा कौन सा यूनिट होता है, GB। ओके, तो और नंबर कौन सा याद रखना था हमें, 1024। तो 1024 GB मिलके बन जाएगा 1 TB, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। सेम उसी तरह से आ जाता है 1 PB, 1 PB से हमारा जो छोटा यूनिट था वो आता था TB, तो यहाँ पे आ जाएगा 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। आपको बस इतना ही इसके जो यूनिट है वो याद करने हैं, यूनिट का जो सीक्वेंस है, असेंडिंग ऑर्डर है, वो आपको याद करना है कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। तो आप उसे याद करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका जो कन्वर्सेशन है वो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा टीबी रिप्रेजेंट करता है वो आता है 1 TB को। तो 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। उसके बाद हमारा आ जाता है पेटाबाइट। ओके, तो 1000 पेटाबाइट, मतलब 1 PB इज इक्वल टू आ जाता है 1024 TB। एंड जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या फिर जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में या हमारे कहीं भी हम जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें मैक्सिमम जो स्टोरेज यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है वो आपको 1 TB तक ही देखने के लिए मिल जाती है। मतलब जो भी आपको मेमोरी यूनिट मिलती है वो आपको 1 TB से ज़्यादा आज के टाइम पे तो नहीं मिलती है, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आने वाले टाइम पे आपको देखने के लिए मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन आज के टाइम पे जो हाईएस्ट मेमोरी यूनिट आप देख सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बड़े सुपर कंप्यूटर उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल या फिर होम स्टेशन या वर्क स्टेशन कंप्यूटर की हम बात करें, तो उसमें जो मैक्सिमम मेमोरी यूनिट आपको देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 1 TB, मतलब TB। ओके, उसके बाद PB से जो हमारा एक थोड़ा सा बड़ा मेमोरी यूनिट आ जाता है वो आ जाता है PB।
उसके बाद हमारा मेमोरी यूनिट आता है ईबी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि आपको एक ऊपर से जो छोटा मेमोरी यूनिट है उसका जो शॉर्टकट है वो आपको याद कर लेना है। तो हमारा ईबी से जो छोटा मेमोरी यूनिट आ जाता है वो आता है पीबी, जो रिप्रेजेंट करता है पेटाबाइट को, एंड जो हमारा नंबर है वो है 1024। तो आपको यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि 1024 पीबी इज इक्वल टू 1 ईबी। ओके, इसी तरह से ही यहाँ पे 1 ZB इज इक्वल टू 1024 ईबी इज इक्वल टू 1 ZB। ओके, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं अपने मेमोरी यूनिट के पूरे चार्ट को। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी आखिर होती क्या है, एंड यहाँ पे एक लास्ट शायद मेरे से मिस हो चुका है तो इसे भी हम जान लेते हैं। तो 1YB मतलब योटा बाइट, आज के टाइम पे जो मुझे पता है, हो सकता है इससे बड़े भी कोई मेमोरी यूनिट हो, वो मुझे आई थिंक गेस नहीं है या मुझे याद नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है योटा बाइट आज के टाइम पे सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है। योटा बाइट 1YB इज इक्वल टू 1024 ZB आज तक का, आज के टाइम का सबसे बड़ा जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो आ जाता है YB मतलब योटा बाइट। इससे बड़ा कोई हो सकता है जो मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ तक ही पता है कि यहाँ तक आज के टाइम का सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो। ये क्लास थी हमारी मेमोरी के बारे में, मतलब हमारी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कितने टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती हैं। उसके बाद हमने जाना कि वॉलेंटाइन मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेंटाइन क्या होती है, एंड लास्ट में हमने जाना कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ये DCA कोर्स का आपको टॉपिक या इंडेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनमें से हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर कर लिया है, सॉफ्टवेयर कर लिया है, हार्डवेयर कर लिया है, मेमोरी कर लिया है, एंड अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी विंडोज सेटिंग। तो विंडोज सेटिंग के जो हमारे ये टॉपिक है उसे हम थोड़ा सा चेंज करना मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विंडोज सेटिंग में बेसिकली मैं आपको विंडोज 10 ही दिखाने वाला था, क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट ये लेटेस्ट है, विंडोज 11 आ चुका है आज के टाइम पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि विंडोज 10 अभी स्टेबल है, विंडोज 11 बहुत सारे PCs में सपोर्ट भी नहीं करता है, उसके लिए एक अलग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसको चलाने के लिए 4GB रैम आपको मिनिमम चाहिए। तो विंडो 10 आप यूज़ कीजिए, क्योंकि 1GB रैम में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है आपको विंडो 10। तो विंडो 10 में आपको रिकमेंड करता हूँ वही यूज़ कीजिए, एंड विंडो 10 पे ही हमारी ये क्लास हम बनाने वाले हैं। तो जितनी भी विंडो सेटिंग हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वो हमारे विंडो 10 के ऊपर ही करेंगे। एंड इस विंडो सेटिंग में हम क्या करेंगे कि हमारे जो कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी हम जानेंगे, जैसे कि नोटपैड हो गया या फिर MS पेंट हो गया, उन सभी टॉपिक को भी हम जानेंगे इस विंडो सेटिंग टॉपिक में। एंड उसके बाद हम बहुत सारे कुछ सेटिंग्स भी हमारी विंडोज़ की जानेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर दिया है, इसमें हमने कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, रिमूव कुछ भी नहीं किया है, कुछ टॉपिक ऐड किए हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे हमारी अगली क्लास में जो होने वाली है विंडोज़ 10 सेटिंग के बारे में।